वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसकी सजेशन हमें दी है सुबह प्रसाद साहू जी ने और वीडियो का टाइटल है न्यू वर्सेस ओल्ड थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स मैशअप राज बर्मन फीचर्स दीपशिका बॉलीवुड सॉन्ग्स मेडले। वैसे दीपशिका बोलते हैं मुझे थोड़ा सा वो होता है, मैं थोड़ी मतलब जुबान को ना थोड़ी इधर उधर हो जाती है। वेल अभी देख लेते हैं सॉन्ग्स, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का वर्जन जो है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लग जा गले के फिर हसी रात हो फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले दो जिस्म जा
देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बात करें अगर आज इन गानों की तो मुझे तो वैसे बहुत मजा आया। वैसे मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, पुराने गानों का ना अपना मजा है, नो डाउट नए गाने भी जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो पुराने गाने ना उनका रीमेक वर्जन सुनने का भी आपको बहुत मजा आता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग गाने की बात करें ना, लग जा गले, वो मुझे जो है ना जो लता जी की आवाज में सुनने का मजा आता है ना, वो पता नहीं क्यों किसी और की आवाज में नहीं आता। आप बड़े लोग हैं ठीक है ना, आपको पता है हर चीज का। भाई मैं मुझे क्या पता है, मुझे गाने की अलिफ बे नहीं पता। अच्छा ठीक है ना, पता नहीं सुनने का बस पता है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन वो जो एक लता जी का और एक वो जो बीच में साधना जी का कॉम्बिनेशन बना था ना उस गाने में, वो हमेशा रहेगा। मौसम वो तो लेजेंड्स हैं, लेकिन हाँ। ये कि जो मतलब नए लोग आकर गाना गाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं बात करूंगी कि मुझे जो राज बर्मन है इनकी आवाज पता नहीं क्यों अरिजीत सिंह जैसी बहुत ज्यादा लगी है। एंड पर आकर, एंड पर भी मतलब कि ना एक वो जो एक खराश सी और मतलब थोड़ा सा एक सुर है जो दोनों का मजा मिलता है, और दोनों की आवाज बहुत खूबसूरत है। अगर हम दीपशिका की भी आवाज की बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत आवाज है। दोनों ने गाने बड़े अच्छे तरीके से, मैं कहूंगी कि मैशअप बहुत मजे का बनाया। खासतौर पर मैं अगर बात करूंगा जहाँ पे दीपशिका का जो है गाना स्टार्ट हुआ तबाह हो गए, उसके पीछे इनकी थोड़ी सी आवाज एको भी हुई थी, यानी कि वो जो पीछे एक लेयर चलती है ना आवाज की, वो भी चली थी, तो मुझे बहुत अच्छा साउंड कर रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा था एक गाना जिसमें वो था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मुझे लग रहा था वो मौसम पे बनाया हुआ है। मतलब मैं इसके लिए यही सपनों की रानी क्यों होती है, औरतों के लिए क्यों नहीं बनाएगा सपनों के राजा कब आएगा तू। नहीं तो वो भी गाना था किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, तो वो आगे से फिर कहता था ना जरा फिर से कहना, वो तो कहती नहीं सपनों की रानी वाली, वो तो मुंह उधर करके बैठ जाती है। नहीं एक कोई और भी भाई, औरतों के तो इतने सारे गाने होते हैं जिसमें वो मर्दों को भाई याद ही करती रहती, मेरा राजा मेरा कोई पता नहीं क्या क्या आएगा एक दिन। चले खैर हम इनकी बात कर रहे थे, बहुत अच्छे उन्होंने गाने गाए, खासतौर पर गानों की सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन बहुत उन्होंने अच्छी की, बहुत उम्दा थी। और लास्ट पर जो कलंक का उन्होंने सॉन्ग गाया बहुत बहुत खूबसूरत। तो तेरी मिट्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, वो तो एक ऐसा गाना ना कि आप जब भी उसको सुनते हो ना आपको गूज़बम्प्स आते हैं, स्पेशली बी प्राक की आवाज में जब आप सुनते। अच्छा वैसे बी प्राक के बाद भी मैंने जितनी भी बातों में वो गाना सुना है ना मुझे मजा आया है। हाँ बिल्कुल आता है वो, उसके धुन उसके लिरिक्स इस तरह के है कि वो आप किसी की भी आवाज में सुन ले आपको मजा आता है। फिर उसके वो माही
मुझे ऐसा था वही बहुत अच्छा छे ना कि मेरी आवाज बड़ी खराब आ रही है। बट पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग है ना मौसम, मुझे लगता है ये ना हमेशा जिंदा रहेगा सॉन्ग। सही बात, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। और मतलब जैसे अभी हम पुराने गाने सुनते हैं तो हम लोग इतना यू नो फ्रेश फील करते हैं। मेरा तो लगता है जो आने वाली जनरेशन है जब ये वाला गाना सुनेंगे ना तो उनको भी एक वो वाली फीलिंग आएगी जो हम लोग। मेरा ख्याल है वैसे जो गाने जितने ये पेट्रियोटिक गाने होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर रहते हैं। वो कभी जो है ना, हाँ, जो आपके दिल के बहुत करीब। यार अब देखें जैसे इसके साथ एक और आया था ऐ वतन। हाँ, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। ये राजी मूवी का था, राजी मूवी का था। कितना अच्छा था ये भी। पता क्या, नहीं वो भी वो अपनी जगह पर खूबसूरत है लेकिन ये अपनी जगह पर खूबसूरत, ये थोड़ा सा ना वो वाली मतलब आती है, पता नहीं क्यों मुझे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे इस गाने को सुनकर मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब दोनों वाली मेरे सिचुएशन होती है। एनीवे ओवरऑल हम लोगों को काफी मजा आया है ना, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैं ये सोच रहा था हम इस वीडियो को जुड़े काफी और बाकी में बहुत अच्छे सिंगर हैं। समटाइम्स सच में मुझे ये लगता है कि ना मौजम काश मेरी आवाज इतनी अच्छी होती। चलो अगर नहीं अच्छी ना तो जब ये लोग गाना गा रहे होते हैं और हम लोग ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं ना, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे मेरी आवाज इतनी ही अच्छी है जितनी उनकी मैं सुन रही हूँ। चलो वैसे 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 थैंक यू बातों बात, तुम्हें आपने कहा कि मेरी आवाज आपसे बेहतर है। हाँ मौजम की आवाज गाने में मेरे से बेहतर है, लेकिन मौजम ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मतलब सुन रही होती हूँ ना गाना और मैं देख रही होती हूँ और मैं झूम रही होती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ही गा रही हूँ। वो जब मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनता हूँ ना तो मुझे इतनी बुरी लगती है ना। मैंने ऐसे किया था पता है, एक दफा ना मैंने वॉइस ओवर की बात कर रहे, वॉइस ओवर में अच्छी है पता है। एक दफा मैंने क्या किया मौजम, मैंने एक दफा ना हेडफोन्स लगा के मैंने गाना लगाया और ना साथ साथ में गा रही, मैंने रिकॉर्ड करके अपनी आवाज सुनती। ओ गॉड, जब मैंने अपनी आवाज सुनी इतनी बेसुरी आवाज मेरी, मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल भी कह रहा था मुझे क्या सुना रहे हैं यार। और मुझे पता क्या लग रहा था मौसम, मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही गा रही जैसा मैं सुन रही और तो बताओ। और उसके बाद मैंने दोबारा कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करूं। एनीवे आप लोगों में से किस किस ने ये चैलेंज करेंगे, किसको व्लॉग का, हम दोनों एक गाना गाएं, हम लोग सारे घर वालों के साथ करेंगे ये चैलेंज। वैसे मुझे लगता है बोगी बात अच्छी होगी। I don't know, मुझे लगता है। और बीच में से कुछ लोगों ने तो हमारे घर में से गाना ही नहीं, उन लोगों ने कहा भाई नहीं हमें शर्म आती है हम लोगों ने, बट ये कि ये मौसम ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि इसने हम दोनों पे रखा, मैंने पूरी फैमिली पे रख दिया। हाँ। पूरी फैमिली को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवे कोशिश करेंगे कि जरूर लेकर आए ऐसा व्लॉग। बट जाने से पहले मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो मैंने एक ट्राई की थी कि आप लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मतलब तुमने किया। हाँ किया है, बताया तो है आपको। नहीं कैसा था, मेरे बहुत बुरी लगी थी। अब दोबारा करके देखूंगा एक दो दिन में फिर। हमारी आज की वीडियो के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।